In the case of the subject of the manufacturing process, we are discussing about the gear manufacturing. We are continuing from the last lecture from the gear manufacturing. गियर मैन्युफैक्चरिंग का कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. उसमें जो एक मेथड है इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग से नॉन मेटेलिक गियर्स, थर्मोप्लास्टिक का, नायलॉन का, एसिटेल का आपको गियर आपको बनाया जाता है. ये इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है. ये आपको लो प्रिसीजन गियर ये स्मॉल साइजेज में आपको बनाया जाता है ना. तो इसके एडवांटेज हैं लो कॉस्ट एंड इट रन विदाउट द लुब्रिकेंट एट द लाइट लोड्स, है ना. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का, नायलॉन का, एसीटोन का, नॉन मेटालिक गियर्स इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाया जाता है ना. और ये जो गियर्स हैं लो कॉस्ट के होते हैं और लो प्रिसीजन गियर्स इन स्मॉल साइजेज होते हैं और इट रन्स विदाउट द लुब्रिकेंट एट द लाइट रोड. लाइट रोड में आपको ये आपको काम करता है. जो इंजेक्शन मोल्डिंग गियर्स हैं वो आपको कैमराज में यूज किए जाते हैं, प्रोजेक्टर्स में यूज किए जाते हैं, विंडशील वाइपर्स में यूज किए जाते हैं, स्पीडोमीटर में यूज किया जाता है, लॉन स्प्रिंकलर्स में यूज किया जाता है, वॉशिंग मशीन में आपको यूज किया जाता है ना. इसमें जो मटेरियल जो जो यूज होता है जिसका आपको गियर बनता है वो नायलॉन का होता है, सेलुलोज एसीटेट का होता है, पॉलीस्टायरीन का होता है, पॉलीइमाइड का होता है. मटेरियल आपको इन्हीं मटेरियल का आपको बनता है ना. तो ये आपको इंजेक्शन मोल्डिंग से आपको बनता है. ये आईएम कैमरा का जो गियर्स है वो आपको जो यूज हो रहा है कैमरा में वो गियर्स आपको यहाँ पर आपको कैमरा में जो गियर्स यूज हो रहे हैं आपको नायलॉन के जो गियर्स यूज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. किस तरह जो है कैमरा में आपको गियर्स आपको यूज हो रहा है ये आपको आईएम कैमरा का आपको दिखाया गया है ना. ये गियर के डिफरेंट पार्ट आपको गियर्स का किस तरह का यूज होता है आपको दिखाया गया है ना, है ना. कॉटन बेस्ड फेनोलिक लेमिनेट गियर, ये हर तरह का गियर आपको, फेनोलिक ग्लास मोल्डिंग फॉर द इंजन टाइमिंग गियर ये आपको दिखाया गया है ना. टेलीविजन सेट कंट्रोल के लिए, साउंड प्रोजेक्टर के लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए नायलॉन फैब्रिकेट गियर आपको दिखाया गया है. ये आपको इंजेक्शन मोल्डिंग से आपको बनता है ना. इंजेक्शन मोल्डिंग से आपको बनता है. दूसरा एक्सट्रूडिंग प्रोसेस से गियर बनता है. एक्सट्रूजन प्रोसेस है. एक्सट्रूजन प्रोसेस में हॉट एक्सट्रूजन से आपको ये जो है आपको गियर बनता है. हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस से आपको गियर बनता है. तो हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस से जो गियर बनता है ये लॉन्ग रॉड्स का होता है विच आर देन कट इनटू द सुटेबल लेंथ. एक्सट्रूड कर दिया जाता है ये लॉन्ग रॉड्स में आपको एक्सट्रूड कर दिया जाता है. उसके बाद जो है आपको लेंथ में आपको कट कर दिया जाता है आपको छोटा छोटा फॉर द बोर एंड क्यूबेज एंड नॉन फेरस मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड द कॉपर एलॉय आर कॉमनली एक्सट्रूडेड रेदर देन स्टील. नॉन फेरस मटेरियल्स सच एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसका एक्सट्रूजन से मेनली उसको बनाया जाता है. एक्सट्रूजन से जो गियर बनाया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है. ये लॉन्ग रॉड्स में आपको एक्सट्रूड होता है और उसके बाद इनको छोटे छोटे पार्ट में आपको गियर कट कर दिया जाता है ना. एक्सट्रूजन से जो गियर बनता है ये आपको सरफेस फिनिश आपको बेटर होता है एंड क्लीन एजेज पोर फ्री डेंस स्ट्रक्चर एंड द हाई स्ट्रेंथ. आपको ये पोर फ्री स्ट्रक्चर होता है क्योंकि एक्सट्रूजन में प्रेशर देते हैं तो उसमें आपको डेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको हायर स्ट्रेंथ मिलता है. आपको एक्सट्रूजन से जो गियर बनता है आपको उसमें स्ट्रेंथ आपको हायर होता है.
जो एक्सट्रूजन से जो गियर बना हुआ है आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, जो जो मटेरियल जो एक्सट्रूजन से आपको बनेगा, कॉपर का बनेगा, नेफल ब्रास का बनेगा, आर्किटेक्ट यूरल ब्रांच का बनेगा, फास्फोरस ब्रांच का मिलेगा, ये सारे मटेरियल का जो नॉन फेरस मटेरियल का आपको एक्सट्रूजन से गियर बनता है ना, जो आपको एप्लीकेशन है स्प्लाइंड होलो सॉलिड शाफ्ट स्कूटर गियर सेक्टर गियर्स में आपको एक्सट्रूजन का जो गियर है वो आपको यूज होता है ना। देखिए जो एक्सट्रूडेड सेक्शन है ये गियर का आपको सेक्शंस आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ इतना है, आउटसाइड डायमीटर इतना है, पिच डायमीटर इतना है, रूट डायमीटर इतना है, पिच इतना है, टूथ थिकनेस इतना है, ये सभी गियर का आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ कितना है, आउटसाइड डायमीटर कितना है, रूट डायमीटर कितना है, पिच कितना है, टूथ थिकनेस कितना है, ये आपको एक्सट्रूडेड सेक्शन का ये आपको यहां पर आपको बताया हुआ है ना। जो आपको कोल्ड फॉर्म गियर ब्लैंक है ये यहां पर आपको फिगर आपको दिखाया गया है, स्टेशन वन स्टेशन टू स्टेशन थ्री स्टेशन फोर स्टेशन फाइव में किस तरह जो है आपको फॉर्म करके गियर ब्लैंक को आपको बनाया जाता है, ये आपको रॉ मटेरियल है। स्टेशन वन में आपको स्क्वायरिंग किया गया, स्टेशन टू में फॉर्म शॉप बनाया गया, स्टेशन थ्री में एक्सट्रूड बोर किया गया, एक्सटेशन स्टेशन फोर्स में पियर स्लग किया गया, स्टेशन फाइव में ऑटो प्रोब बोर किया गया, ये आपको कोल्ड फॉर्म गियर ब्लैंक ये आपको यहां पर आपको किया गया है ना, स्टेशन वन स्टेशन टू स्टेशन थ्री स्टेशन फोर स्टेशन फाइव में आपको ये किया गया, ये आपको यहां पर एक्सट्रूजन का आपको पांच स्टेशन का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, स्टेजेज इन द एक्सट्रूजन ऑफ द गियर, एक्सट्रूजन से जो गियर बनाते हैं उसका यहां पर आपको दिखाया गया, हेलिकल गियर मेड बाय द एक्सट्रूजन, ऐसे ही एक्सट्रूजन से आपको गियर बनाता है और फिर इसको कट कर देते हैं छोटे छोटे साइजेज में, उसको कट कर देते हैं पीसेस में, आपको इसको कट कर देते हैं जो एक्सट्रूजन से जो गियर बनता है उसको पीसेस में छोटे छोटे पीस करके आपको कट कर देते हैं, ये एक्सट्रूजन से गियर बनता है। कोल्ड ड्रॉइंग से भी आपको गियर बनता है, कोल्ड ड्रॉइंग फॉर्म्स टीथ ऑन द स्टील रॉड बाय ड्रॉइंग द हार्डन डाई, द कोल्ड वर्किंग इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेज द डक्टिलिटी। कोल्ड ड्रॉइंग में आपको गियर बनता है, कोल्ड ड्रॉइंग प्रोसेस से आपको स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है, द रॉड्स आर देन कंटिन्यू टू द यूजुअल लेंथ आर मशीन फॉर द बोर्स एंड द कीवे, ये आपको कोल्ड ड्रॉइंग में आपको किया जाता है, कोल्ड ड्रॉइंग में है ना, ये आपको टीथ पिनियन आपको दिखाया गया, स्टाम्पिंग में शीट मेटल पार्ट्स का आपको गियर बनता है, लो प्रिसीजन गियर एट द लो कॉस्ट इन द हाई क्वांटिटी, आपको स्टाम्पिंग मेटल में आपको शीट मेटल में आपको स्टाम्प करके आपको बनाया जाता है, स्टाम्पिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, स्टाम्पिंग प्रोसेस से जो गियर बनता है उसका सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी जो है आपको पुअर होता है ना। टू सेप्स टू फॉर्म लो प्रिसीजन गियर एट द लो कॉस्ट इन द हाई क्वांटिटी, ये आपको स्टाम्पिंग से बनता है, टॉय गियर हैंड ऑपरेटेड मशीन गियर स्लो स्पीड मैकेनिज्म ये आपको स्टाम्पिंग से बनता है, प्रिसीजन स्टाम्पिंग द डाइज आर मेड ऑफ द हाई प्रिसीजन विद द क्लोज टॉलरेंस द स्टाम्प गियर विल नॉट हैव द बर्स। क्लॉक का जो गियर है वॉच का जो गियर है वो आपको स्टाम्पिंग से बनता है, शीट मेटल में आपको अगर गियर बनाना है तो स्टाम्पिंग प्रोसेस से बनते हैं, डाई से आपको स्टाम्पिंग से आपको डाई में बनता है वो है ना। दीज आर द लो कॉस्ट इन द हाई क्वांटिटी, आपको स्टाम्पिंग में आपको जो है हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करना है तो आपको स्टाम्पिंग प्रोसेस से आपको ये आपको बनता है ना, फॉर्मिंग ऑफ द गियर्स ये आपको उधर से ही बनता है, ये आपको फॉर्मिंग ऑफ द गियर ये गियर का आपको प्रोसेस यहां पर आपको बताया गया है, ये आपको फॉर्मिंग ऑफ का आपको दिखाया गया है, फोर्जिंग बार लेंगे
उससे मशीन बिलेट बनेगा, प्रोटेक्टिव एटमोस्फेयर बिलेट हीटिंग होगा, फर्स्ट स्टेप में फोर्जिंग होगा, सेकंड स्टेप में फिनिश टीथ फॉर्म होगा, उसके बाद साइकिल पुल होगा, उसके बाद मशीन फॉर्म टूथ प्रोफाइल बनेगा, फिर ग्रिड ब्लेश बनेगा, फिर हीट ट्रीटमेंट करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, फिर इंस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो ये आपको फोर्जिंग का, फोर्जिंग बार से किस तरह बनाया जाता है वो आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। गियर स्पेसिफिक प्रिंट लिया जाता है, ईडीएम विद द मास्टर इलेक्ट्रोड लिया जाता है, फोर्जिंग डाई लिया जाता है, मशीन हीट हीट ट्रीटेड डाई ब्लैंक आपको लिया जाता है, न्यू फिनिशिंग डाई इन द प्रेस बेड आपको लिया जाता है। ये आपको प्रोसेस आपको यहां पर आपको दिखाया गया, ये आपको गियर जो बना हुआ है वो गियर का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये गियर का जितने तरह के गियर बनते हैं वो सभी तरह का शेप आपको यहां पर, आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, जितने तरह के गियर बनते हैं, है ना। कल भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था कि वो डिफरेंट टाइप के गियर क्यों होते हैं, एक तरह के गियर क्यों नहीं होते हैं। ये डिफरेंट टाइप का गियर देखिए आप, डिफरेंट यूज के लिए आपको यहां पर आपको आपको दिखाया जा रहा है। इसके टीथ डिफरेंट एंगल में होते हैं, है ना, जिससे कि डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट आपको डिफरेंट एंगल में आपको किया जा सके, है ना। दूसरा, मशीनिंग से गियर बनता है, मशीनिंग प्रोसेस में, डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस में, मशीनिंग प्रोसेस में आपको गियर आपको बनाया जाता है, जो डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस में आपको यूज किया जाता है वो एक तो रफ गियर बनता है, दूसरा फिनिशिंग करते हैं गियर का मशीनिंग प्रोसेस में, ये पहले बताया हुआ था। तो इसमें मिलिंग मशीन में फॉर्म मिलिंग होता है आपको गियर का, दूसरा रैक जनरेशन आपको मशीन में, रैक जनरेशन से आपको बनता है, फिर तीसरा गियर सैपिंग से बनता है, और फिर गियर हॉबिंग से बनता है। ये चार तरह के आपको गियर मेकिंग आपको मशीन है जो, जिससे कि आपको रफ गियर बनता है। गियर का फिनिशिंग, गियर सेविंग करते हैं, गियर की ग्राइंडिंग करते हैं, गियर की बर्निशिंग करते हैं, गियर की लैपिंग करते हैं, गियर की होनिंग करते हैं। ये सारे मशीन आपको ग्राइंडिंग का अलग है, बर्निशिंग का अलग है, लैपिंग का हो सकता है आपने लैब में देखा होगा, लैब जो मेटेरियल साइंस का लैब में लैपिंग प्रोसेस किया जाता है वो देखा होगा। होनिंग मशीन आपको जो है जमीन के अंदर होता है, होन लगे होते हैं उसमें फिनिशिंग होता है, वो आपको आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो ये सारे मशीन है जहां से आपको गियर का आपने यूज किया जाता है। मशीन में रफिंग प्रोसेस के लिए मिलिंग कटर में जो ये आपको कटर है, मिलिंग कटर है, कलेक्शन ऑफ द गियर कटिंग टूल, दिस टाइप मिलिंग कटर है ना, दिस टाइप मिलिंग कटर दिखाया जा रहा है। दो में आपको रैक कटर दिखाया जा रहा है, तीन में सिपर कटर दिखाया जा रहा है, चार में हॉप कटर दिखाया जा रहा है। ये आपको हॉप कटर है, ये आपको गियर कटर है, मशीन में आपको यूज होता है ना। इसी से गियर का जो कट होता है आपको इसी से होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ द गियर कटर है, ये यहां पर आपको दिखाया गया है, डिस टाइप मिलिंग कटर, रैक कटर, ये आपको रैक कटर है, तीसरा ये सेपर कटर है, चौथा ये हॉप कटर है, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया, जनरेटिंग ये रैक कटर। जिस तरह का गियर बनाना होता है वो उस तरह का आपको कटर को यूज किया जाता है ना। डिस्पाइट इट्स नेम रफिंग प्रोसेस एक्चुअली प्रोड्यूस ए स्मूथ एंड एक्यूरेट गियर टीथ ओनली फॉर द हाई प्रिसीजन एंड द क्वाइट ट्रिटरिंग द सेकेंडरी ऑपरेशन इज जस्टिफाइड एज द एडेड कॉस्ट, है ना। ये आपको गियर का जो मशीन में आपको गियर जो है आपको प्रोड्यूस किया जाता है। गियर शेपिंग ये आपको जो शेपर टूल है और वहां पर आपको ब्लैंक आपको रोटेट करता है एंड कटिंग टूल जो है रेसिप्रोकेट करता है गियर ब्लैंक पे एंड यहां पर आपको शेप जनरेशन होता है गियर का, है गियर शेपिंग। ब्लैंक आपको रोटेट करेगा
एक टीथ कटने के बाद दूसरा टीथ सामने आ जाएगा, और से जो आपको कटिंग टूल है वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा एक्सियली गियर शेपिंग में, है ना। इट इज ए ट्रू शेप जनरेशन प्रोसेस इन दैट गियर शेप टूल कट्स इटसेल्फ इनटू द मेश विद द गियर ब्लैंक। द बल्क ऑफ द पावर ट्रांसमिटिंग मेटल गियर्स ऑफ द मशीनरी आर प्रोड्यूस्ड बाय द मशीनिंग प्रोसेस फ्रॉम द कास्ट फोर्ज, है ना। रफनिंग प्रोसेस इंक्लूड मिलिंग, टूथ शेप, फॉर्म कटर, जनरेटिंग द शेप ऑफ द रेक कटर। गियर शेपिंग में एक एक टूथ कट किया जाता है, आपको ब्लैंक जो है एक टीथ कट जाएगा तो ब्लैंक आपको रोटेट करेगा, फिर नेक्स्ट टूथ कटेगा, फिर तीसरा टूथ आएगा वो आपको कटिंग होगा, फिर चौथा टूथ आएगा वो आपको कटिंग होगा, फिर पांचवा टूथ आएगा फिर आपको वो कटिंग होगा। और कटिंग टूल जो है वो आपको रेसिप्रोकेट करता है, एक्सियली आपको रेसिप्रोकेट करता है, है ना, गियर शेपिंग मशीन में ये आपको एक्सियली आपको रेसिप्रोकेट करता है ना। फॉर्म मिलिंग बाय द डिस्क कटर, ये आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, ये देखिए दिखाया जा रहा है कैसे गियर कट हो रहा है। एक टीथ कट होगा, एक टीथ कट हो जाने के बाद फिर दूसरे टीथ में जाएगा, फिर यहां से दूसरा टीथ जब जो फॉर्म का कट जाएगा, गियर कटिंग का जो प्रोसेस है ये आपको यहां पर मशीन में आपको दिखाया गया है। ये टूथ कट हो गया है, फिर ये टूथ कट हो रहा है, आपको फिर फीड उसको देंगे, फिर यहां ये टूथ कट हो जाएगा, फिर ये फीड देंगे, फिर तीसरा टूथ कट होगा, है ना। ये इस फिगर से कंप्लीट समझ में आ जाता है कि मशीन में कैसे आपको जो है गियर कटर से आपको जो है गियर कट होता है। एक टूथ कट हो जाएगा, फिर आपको कटर से दूसरा टूथ कट होगा, फिर दूसरा टूथ जब कट हो जाएगा फिर जो है आपको तीसरा टूथ कट होगा, फिर तीसरा टूथ कट हो जाएगा, फिर चौथा टूथ कट होगा। ये आपको ये जो ब्लैंक है रॉ मटेरियल है आपको रोटेट करेगा, है ना। ये आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दे रहा है ना। ये आपको दूसरा फॉर्म मिलिंग बाय द एंड मिलिंग कटर, देखिए एंड मिलिंग कटर से कैसे आपको गियर कट हो रहा है यहां पर आपको दिखा दे रहा है। द एंड मिलिंग कटर शेप कंफर्म्स द टूथ स्पेसिंग, ये आपको टूथ स्पेसिंग को दिखाता है, है ना। एट ए टाइम एक आपको टूथ कटेगा, देन द इंडेक्सिंग विल बी डन फॉर द नेक्स्ट टूथ स्पेस फॉर द कटिंग। नेक्स्ट टूथ स्पेस के लिए आपको कटिंग होगा। A set of the 10 cutters will do for the 12 to 120 tooth gears suited for the small volume production of the low precision gear. आपको यहाँ पर आपको होगा for milling by the end milling cutter. ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना? एक teeth cut होगा, फिर ये दूसरा teeth cut होगा, फिर तीसरा teeth cut होगा। ये इसी तरह फॉर्म मिलिंग बाय द एंड कटर आपको टू रिड्यूस द कॉट। सेम कटर इज ऑफन यूज्ड फॉर द मल्टीपल साइज गियर रिजल्टिंग इन प्रोफाइल गियर बट वन नंबर ऑफ द टीथ, है ना। ये आपको फॉर्म मिलिंग कटर है। रैक जनरेशन, दिस इज द रैक जनरेशन, ये आपको रैक जनरेशन है, देखिए ये रैक कटर है नीचे और ऊपर में गियर ब्लैंक पास कर रहा है ना। ये गियर ब्लैंक पास करेगा, रोटेट करेगा और रैक कटर आपको रेसिप्रोकेट करेगा, नीचे आपको गियर बनेगा, है ना। रैक कटर आपको रेसिप्रोकेट करेगा और गियर ब्लैंक आपको रोटेट करेगा और आपको गियर बनेगा। ये आपको रैक कटर में आपको किस तरह बनाया जा रहा है, ये आपको फिगर में आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह जो है आपको रैक कटर में आपको गियर जो है आपको आपको उसमें बनाया जाता है, है ना। रैक कटर में
आपको जो टूथ का शेप होता है वो आपको ट्रेपेजॉइड होता है, द हार्डेंड एंड द शार्पेंड रैक इज रेसिप्रोकेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द गियर ब्लैंक। ये आपको रैक कटर आपको रेसिप्रोकेट करता है, आपको नीचे रेसिप्रोकेट करेगा व्हाइल द गियर ब्लैंक इज रोटेटेड टू जनरेट द इनवोल्यूट टूट ऑन द गियर ब्लैंक। आपको कैसे गियर बन रहा है वो आपको यहां पर आपको रैक कटर से आपको यहां पर आपको दिखाया जाता है। जो गियर बन रहा है ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। और यहां पर देखिए रैक बन रहा है और ये गियर बन रहा है। द रैक एंड गियर ब्लैंक मस्ट बी पीरियोडिकली रिपोजिशन टू कंप्लीट द सर्कम्फ्रेंस द इंट्रोड्यूस This introduces error in the tooth geometry, making this method less accurate than shaping and the hobbing. ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना? ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना? देखिए generation of the spur gear by the planing. ये आपको rack है। देखिए यहां पर एक teeth cut किया गया, यहां पे दो teeth cut किया गया, यहां पे तीन teeth आपको cut किया गया। है ना? ये आपको गियर ब्लैंक है, यहां पर एक टीथ कट हुआ है, यहां पे दो टीथ कट हुआ है, यहां पर आपको तीन टीथ कट हुआ है। ये जनरेशन ऑफ द स्पर गियर बाय द रेस्पिरेटिंग रैक कटर, ये प्रोसेस आपको यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा है। ये भी प्रोसेस आपको यहां पे बता रहा है कि कैसे गियर का कट किया जाता है, आपको गियर शेपिंग कैसे किया जाता है। इसमें फिक्स क्या रहता है सर, वर्कपीस या मतलब हमारा जिससे काटते हैं वो? ये जो वर्कपीस है ये आपको जो आपको सर्कुलर दिखाया गया है ये वर्कपीस है, ब्लैंक है जिसको बोलते हैं, ब्लैंक गियर ब्लैंक इसको बोलते हैं। ये आपको रोटेट करता है और ये जो टूल है टूल आपको रेसिप्रोकेट करेगा, टूल आपको रेसिप्रोकेट करता है। ये टूल आपको दिखाया गया है, ये आपको गियर ब्लैंक आपको दिखाया गया है। तो गियर ब्लैंक आपको रोटेट करेगा और जो टूल है टूल आपको रेसिप्रोकेट करेगा, है ना? और सर ये गियर कटिंग में हम ऑयल बेस कूलेंट का ही मतलब ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, मैंने आपको बताया था, बट मैंने बहुत हर जगह पे देखा है जो गियर कटिंग में हॉबिंग में हम ऑयल बेस्ड जो है यूज करते हैं कूलेंट। हाँ तो उसमें हाँ कूलेंट तो उसमें तो यूज करना ही पड़ेगा। कूलेंट तो मैं बताया था कि वो आपको जो फंक्शन है उसका कूलिंग का और चिप रिमूवल का वो सारे काम कूलेंट करते हैं, तो मशीनिंग ऑपरेशन में कूलेंट तो आपको यूज करना पड़ेगा। ऑयल बेस्ड तो सर वाटर बेस्ड क्यों नहीं करते वहाँ पे, वहाँ ऑयल बेस्ड क्यों करते हैं? अच्छा वाटर बेस्ड में देखिए दो चीजें हैं आपको यहाँ पर। वाटर बेस्ड कहने का मतलब है वो आपको सस्ता पड़ता है ना? वाटर में आप ऑयल को लगाएंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा। वाटर से जो हायर टेम्परेचर होता है तो उसमें एक मिनट सर, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहेगा जो उसको ज्यादा कॉस्टिंग पड़े, वो तो हमेशा चाहेगा वाटर बेस्ड ही यूज करे। फिर ऐसा क्यों करता है जो ऑयल बेस्ड ही कूलेंट का उपयोग हम गियर में करते हैं, गियर मैकेनिक में? वाटर से क्या होता है ना, वाटर जो है ना आपको हायर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है मशीनिंग में, तो वो ऑक्सीडेशन क्रिएट करेगा, वो कोरोजन क्रिएट करेगा, वो रस्टिंग क्रिएट करेगा। वाटर से जो है ना रस्टिंग ज्यादा होता है, जो कोरोजन होता है ना वो आपको रस्टिंग ज्यादा होगा। ऑयल से जो है आपको कोरोजन जो है आपको नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है। तो आपका जो सरफेस फिनिश है जब आप वाटर बेस यूज करेंगे ना तो सरफेस फिनिश आपको आपको खराब होने का डर रहेगा। तो जहां पर आपको स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है कि वेंडर को, मान लीजिए मारुति का आप वेंडर हैं, मारुति कह रहा है कि नहीं हमें अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए, और जब वो क्वालिटी इंस्पेक्ट करेगी तो वो चेक करती है कि आप किस तरह का मशीन रखे हुए हैं और किस तरह का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। क्वालिटी ऑडिट में जो मारुति है वो चेक करती है। तो अगर आपको आप उसको बताएंगे कि जो है तो उसमें सरफेस फिनिश बेटर नहीं आएगा तो आप उसको अवॉइड करेंगे। जहां सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर आप वाटर बेस्ड यूज कर सकते हैं।
लेकिन जहां पर आपको सरफेस फिनिश का बात आता है तो वहां पर आपको ओल बेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपको जो है उससे सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा, वेंडर आपको मारुति कंपनी लेगी नहीं, पार्ट्स आपका रिजेक्ट कर देगी, तो आप उसको नहीं यूज कर सकते ना। तो वाटर वाले में मतलब फिनिशिंग नहीं आती है? नहीं, कटिंग तो किया लेकिन उससे रस्टिंग हो जाती है ना, ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा रहता है वाटर में। वाटर जो है हायर टेम्परेचर पे रहता है तो उसमें कोरोजन हो जाता है, वाटर कोरोजन ना उसमें जल्दी हो जाता है। वाटर गिराएंगे ना जो जब गर्म चीज पे आप वाटर गिराएंगे तो उसमें सरफेस में आपको कोरोजन आपको ज्यादा हो जाता है, सरफेस इरेगुलरिटी फॉर्म हो जाता है, सरफेस जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो सरफेस फिनिश आपका जो है वो आपको जो है सरफेस फिनिश जो है ना वो आपको थोड़ा सा आपको जो है रस्टिंग हो जाएगा, तो वो जो है मारुति कंपनी बोलेगी कि हम नहीं लेंगे, ये सरफेस आपका खराब हो गया ना, तो वो आपको असेंबली में काम नहीं आएगा, असेंबली में काम नहीं आएगा तो फिर आपको वो लेगा नहीं, है ना। बात समझ में आई? बात आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी सर, ठीक है सर। हाँ, उसमें अब जो जो मारुति कंपनी है ना वो कहेगा कि हमें सरफेस फिनिश बैटर चाहिए, सरफेस फिनिश के लिए आप जो है उसको यूज करेंगे, तो यही कारण है कि ऑप्टिमाइज यूज करते हैं, कितना परसेंटेज वाटर लेना है, कितना परसेंट ऑयल लेना है, और ये एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं ऑप्टिमम कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करके, है ना, एक्सपेरिमेंट करके कितना जो है हमारा जो है काम चल जाएगा, ऑयल बढ़ाएंगे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो जो है परसेंटेज जो है आपको चेक किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो किया जाता है, है ना। तो उसमें अगर आपका पुअर सरफेस फिनिश में काम चल जाता है तो आप वाटर को यूज कर सकते हैं। बहुत सा ऐसा जगह है जहां पे कि सरफेस फिनिश आपको नहीं चाहिए, तो है ना, गन्ना का मशीन है, गन्ना का मशीन वाला जो गियर है तो उसमें ज्यादा सरफेस फिनिश नहीं चाहिए, जो वहां पर उस तरह का गियर का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप वाटर को यूज कर सकते हैं, है ना। और जहां पे सरफेस फिनिश का आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहां आपको आपको ऑयल वाला आपको आपको ज्यादा आपको आपको कूलेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यही जो है मेन रीजन है जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द कूलेंट्स को आपको यूज करने का, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो आपको जो जनरेशन ऑफ द स्पर गियर है, स्पर गियर को कैसे जनरेट हो रहा है, यहां पर आपको स्टेजेज में आपको दिखाया गया है ना। सबसे पहले तो ये स्पर गियर होता क्या है, ये सबसे पहले बता दो ना सर, ये स्पर गियर कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हमारे सिलेबस में है कि नहीं सर? हाँ, स्पर गियर का तो है, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस है वो गियर मैन्युफैक्चरिंग का, स्पर गियर तो ये जो गियर आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना वो स्पर गियर कहलाता है। दूसरा हेलिकल गियर होता है, तो उसमें एक्सिस होता है, वो एंगल पे बना होता है, ये ना पैरेलल कट होता है, उसको स्पर गियर बोलते हैं। मैं आपको फिगर आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पर गियर का, ये देखिए आपको स्पर गियर है ना, ये सारे जो इसके जो टूथ है ना, ये टूथ आपको पैरेलल है ना। अगर ये इंक्लाइंड होगा ऐसा, तो सर पिच गियर में भी होता है सर पैरेलल, पिच गियर ले लो आप तो उसमें भी ऐसा ही होता है पैरेलल वाला। पिच तो इसके बीच का ये जाना था ना, हेलिकल गियर में पिच गियर भी होता है ना सर, एक पिच गियर। पिच गियर कहाँ होता है? पिच होता है गियर में, पिच होता है हेलिकल गियर। वो तो मुझे पता है, टीथ के बीच का डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। पिच कहते हैं। हाँ, तो वो तो बताइए। बट ये स्पर गियर का आपको फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है ना ये जो टीथ है ना ये पैरेलल है, है ना, ये टीथ पैरेलल है, इसको स्पर गियर बोलते हैं। जहां पे पैरेलल मोशन को आपको पैरेलल मोशन ट्रांसमिट करना है, पैरेलल मोशन आपको ट्रांसमिट करना है, एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में ट्रांसमिट करना है ना। तो आप क्रशिंग मशीन देखा होगा जहां की आपको पैरेलल मोशन आपको ट्रांसमिट किया जाता है, तो आपको वहां पर स्पर गियर यूज किया जाता है,
अगर यही आपको हेलिकल गियर का मैं दिखा रहा हूँ, कहीं पे आपको मिल गया, ये भी आपको पैरेलल गियर का ही है, ये भी, ये देखिए हेलिकल गियर दिखा रहा है, एक्सटर्नल गियर है ना, एंगल पे इंक्लाइंड है ये, है ना, ये एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये आपको जो है एंगल पे जो है आपको जो मोशन ट्रांसमिट करेगा, एंगल में आपको मोशन ट्रांसमिट इस करेगा, एंगल को क्या बोलते हैं सर? हेलिक्स एंगल बोलते हैं हेलिक्स इसको? एंगल बोलते हैं। ये कितना ओके एक्सिस से कितना हेलिक्स में आपको जो है ये आपको तो ये किस तरह है। के सर किस तरह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा हेलिक्स एंगल तैयार होता है? रिक्वायरमेंट आपको एंगल में हेलिक्स में मोशन ट्रांसमिट करना है ना, हेलिक्स गियर बनाना है, तो आपको ये हेलिकल कटर भी उसी तरह का होगा, कटर भी उसी नहीं तरह का सर, होगा। जब जब मैं सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ जो इसका जो हेलिक्स एंगल है तो वो तो हाँ हर एक गियर का, तो हेलिकल गियर का तो अलग अलग होगा ना सर? हाँ तो वो बिल्कुल अलग किस होगा, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है हेलिक्स एंगल? किस आधार पे हम हेलिक्स एंगल को चेंज करते हैं और क्यों वो करते हैं? रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना। आपको 2 डिग्री वही हेलिक्स रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो कितने एंगल में आपको मोशन ट्रांसमिट करना है। जो जैसे मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल में आपको गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में हर एक तरह का उसमें गियर होता है, तो उसमें हेलिक्स गियर होता है, तो हेलिक्स गियर में कितने डायरेक्शन मोशन में आपको जो है ट्रांसमिट करना है, तो उतना एंगल देंगे। गियर बॉक्स तो सर हो गया जो रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं मोटर के आरपीएम को। हाँ गियर बॉक्स यूज करते हैं ना, उसमें उसमें हेलिक्स गियर यूज करते हैं, एंगल पे ट्रांसफर करते हैं, तो 2 डिग्री पे आपको एंगल ट्रांसफर करना है, तो हेलिक्स एंगल 2 डिग्री का देंगे, 3 डिग्री का आप ट्रांसफर करना है तो 3 डिग्री का देंगे। जहां पे जिस मशीन में जितना हेलिक्स एंगल का रिक्वायरमेंट होगा, उसी का जो है आपको जो है उतना ही हेलिक्स एंगल देंगे। ये एंगल दिया हुआ है ना, एक्सिस से आपको एंगल दिया हुआ है, तो उतना ही एंगल का आपको जो है उसमें हेलिक्स जो है आपको एक्सिस से आपको आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। तो ये आपको उसको रिक्वायरमेंट पे कि कौन सा मशीन के लिए आप बना रहे हैं, कौन सा मशीन के लिए बना रहे हैं, कौन सा कितना डिग्री एंगल का चाहिए, उतने ही एंगल का आप कटर जो है आप यूज करेंगे, है ना, उतने ही एंगल का आप कटर जो है यूज करेंगे। तो ये आपको गियर कट करने का आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट बताया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको ऊपर कटर है और नीचे ब्लैंक है, ये आपको ब्लैंक रोटेट करता है और गियर से कट होता है ना। ये आपको ये जिस तरह का आपको गियर बनाना है आपको देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना, ये ब्लैंक है, ये कटर है, इसको हॉब बोलते हैं, हॉप टीथ बोलते हैं, मल्टीपल हॉप टीथ रहता है, ये आपको दोनों आपको ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये आपको गियर को कट करता है ना। सर, और हम अपनी रिक्वायर्ड पिच के लिए क्या करते हैं सर? वो उस तरह का हम टूल ही यूज करते हैं हाँ टूल ही या उस तरह का मतलब? यूज होगा ना, हॉब ही उस तरह का यूज होगा, ठीक है, जिस ओके, तरह का जो आपको गियर कट करना है। बिल्कुल तो पिच का डिस्टेंस जितना चाहिए हाँ हमें हाँ 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 दोनों बिल्कुल दांतों के बीच बिल्कुल में बिल्कुल जो। बिल्कुल, आपको जिस तरह का जो है आपको यूज करना है वो उसी तरह का जो है आपको जो हॉब में जिस तरह का रहेगा उसी तरह का तो वहां भी कट करेगा, उसी तरह का शेप वहां भी तो कट करेगा। तो जितना वहां पर आपको रहेगा वही इसमें हॉब में जो रहेगा वही आपको एंगल, वही ये जो है पिच, वही जो है आपको रूट डायमीटर, वही सारा उसमें कट करेगा। जो आपको ये हॉब टीथ आपको दिखाया जा रहा है उसमें आपको जितना आपको रहेगा, है ना, सर गियर कटिंग जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसे हम मतलब हर एक मटेरियल तो यूज नहीं कर पाएंगे उसमें कुछ। हाँ। तो अभी तो आप अभी आपको मैंने बताया ना कि इंजेक्शन मोल्डिंग आपको प्लास्टिक गियर के लिए यूज किया जाता है, और आपको एक्सट्रूडिंग जो है नन फेरस के लिए यूज किया जाता है, ये आपको जनरली वो अलग अलग मटेरियल का
अलग अलग प्रोसेस भी होता है ना। तो जो जो गियर है, गियर जो आपको कट होगा वो सभी तरह का मटेरियल में आप कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी मटेरियल में नहीं कर सकते हैं। आप नन फेरस अलॉय भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ले सकते हैं, ब्रांज का ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, नायलन का भी ले सकते हैं, है ना। तो गियर तो सभी तरह के गियर बनते हैं ना, प्लास्टिक का भी आपने गियर देखा होगा, प्लास्टिक का भी गियर आपने देखा होगा, है ना, प्लास्टिक का भी आपने गियर देखा होगा। तो ये गियर जो है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ, तो किसी भी मटेरियल का जो है वो गियर जो है आपको आपको बनता है। टेफ्लॉन का भी सर, टेफ्लॉन का भी बनता है, बहुत बनता है, टॉयज वगैरह में यूज होते हैं, टॉयज वगैरह में यूज, बिल्कुल। तो वो आपको किसी भी मटेरियल का आपको गियर जो है बनता है। हाँ, टेफ्लॉन का तो और भी इस्तेमाल मशीन में भी कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, सभी जगह यूज होता है वो, सभी जगह जो है वो उसका यूज होता है ना, सभी जगह आपको यूज होता है। तो यहाँ पर आपको गियर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने बताया था कि गियर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बिना मशीनरी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। गियर के बिना आप कहीं भी मोशन ट्रांसमिट करना है तो आपको गियर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो गियर जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी चीज का, आपको मोशन ट्रांसमिशन के लिए, है ना। तो मोशन ट्रांसफर तो हम शाफ्ट से भी कर सकते हैं, तो गियर का ही इस्तेमाल क्यों? शाफ्ट से, शाफ्ट का मोशन जो ट्रांसफर होता है ना, तो वो अलग होता है। जो स्मॉल डिस्टेंसेस में जो आपको ट्रांसफर होगा वो आपको गियर से होगा, स्मॉल डिस्टेंसेस में जो ट्रांसफर होगा वो आपको गियर से होगा। शाफ्ट से आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप शाफ्ट का यूज कर सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस में आपको गियर का ही यूज करना पड़ेगा। गियर में ही जो है वो आपको, गियर का ही जो है आपको आप मोशन ट्रांसमिशन होगा, है ना। गियर से ही आपको मोशन जो है आपको जो है वो ट्रांसमिट होगा मोशन जो है। सर, डिफरेंट एंगल्स पे या डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज पे मोशन ट्रांसफर करने के लिए गियर यूज करते हैं? हाँ, गियर ही यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप का गियर। आपको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था डिफरेंट टाइप का गियर, मैं आपको एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। ये आपको गियर कटिंग का था, गियर प्रोड्यूसिंग का था, ये कटर था, डिफरेंट टाइप ऑफ द कटर था। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ द गियर, हर एक टाइप का गियर आपको दिखा रहा है, इस एंगल पे दिखा रहा है, इस एंगल पे दिखा रहा है, इस एंगल पे दिखा रहा है। तो जो भी जिस गियर का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको तरह का गियर का ही आप यूज करेंगे। रैक एंड पिनियन जो होता है वो भी तो गियर का ही टाइप्स होता है? हाँ 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 हाँ, रैक हो गया, रैक का तो मैंने अभी दिखाया था ना, रैक वाला कटिंग का मैंने दिखाया था आपको, रैक जी का, जी, अभी ऊपर रैक का, तो इसी को रैक बोलते हैं। ये आपको रैक है, ये आपको रैक है, ये आपको रैक है, ऊपर में ये आपको पिनियन है, ये आपको रैक है, ये जो फ्लैट है, फ्लैट वाला है, नीचे है, बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपको रैक है और ये पिनियन है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। जो गियर जो क्लैंक गियर ब्लैंक है, आपको पिनियन है और ये रैक है, है ना। आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ, आपका समय जा रहा है, पहले अटेंडेंस आपका ले लेता हूँ। अमन कुशवाहा जी, रोल नंबर 5। अमन सिंह जी, रोल नंबर 6। आशुतोष सिंह जी, रोल नंबर 12। चंचल कौशिक जी, रोल नंबर 13। मोहित अदाना जी, रोल नंबर 21। नितेश मिश्रा जी, रोल नंबर 23। रोहित कुमार जैन जी, रोल नंबर 35। शुभम कुमार राणा जी, रोल नंबर 31।
तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32। प्रेजेंट सर। जतिन आर्या जी रोल नंबर 16। तुषार सैनी जी रोल नंबर 33। फिर से मैं साकिया जी रोल नंबर 18। यस सर। फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं, तुषार सैनी जी रोल नंबर 33, जतिन आर्या जी रोल नंबर 16, तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 31, शुभम कुमार राणा जी रोल नंबर 31, रोहित कुमार जैन जी रोल नंबर 35, नितेश मिश्रा जी रोल नंबर 23, मोहित अधाना जी रोल नंबर 21, कुणाल साकिया जी रोल नंबर 18, चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13, आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12, अमन सिंह जी रोल नंबर 6, अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5। ये सारे आपको प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये आपको जो गियर जो कट किया जाता है, ये आपको गियर, यही आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, है ना, जनरेशन ऑफ द स्पर गियर। ये हॉब कटिंग का आपको, ये हॉब कटर है जी, ये आप